स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलाने वाला हूँ जो कि भोजन समाज से आती है और वह एक महिला कांस्टेबल है यूपी से। दोस्तों उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया है, उन्होंने एक महिला की रक्षा करी है। हाँ दोस्तों, एक महिला जो प्रसव से पीड़ित थी, जो प्रेग्नेंट थी, जिसकी डिलीवरी होने वाली थी, जिसको बच्चा होने वाला था, उसकी मदद करी है और माँ और बच्चे दोनों की जान बचाई है अपनी बहादुरी से, जिसके लिए उन्हें जो यूपी पुलिस विभाग है वहां से सम्मानित भी किया गया, वहां के डीजीपी ने उन्हें सम्मान भी दिया गया। तो दोस्तों उन महिला का नाम है बिंदु पुष्कर, जो कि यूपी से आती है, महिला कांस्टेबल है। दोस्तों इन्होंने शाजापुर जनपद के रेलवे फाटक के पास एक महिला प्रसव से, मतलब वो प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी होने वाली थी, वो उससे पीड़ित थी वो, मतलब और वहाँ पर रेलवे फाटक के पास कुछ ऐसी स्थिति बन गई होगी कि गाड़ी वहाँ से आगे नहीं जा पा रही होगी या फिर उसका टाइम आ गया होगा और वहाँ पे कोई मेडिकल स्टाफ अवेलेबल नहीं होगा। तो इन महिला ने वहाँ पर जाकर अपनी बहादुरी दिखाई और माँ और बच्चे दोनों की जान बचाई और सहकुशल महिला की डिलीवरी वहाँ पर कराई दोस्तों, जिसके लिए उन्हें यूपी पुलिस ने सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये वीडियो देखिए। आपने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया, जिसकी वजह से मेडल और प्रदान किया जा रहा है। एक ये माननीय सर महोदय की तरफ से प्रशंसनीय चिन्ह है, एक मेडल भी प्रदान किया जा रहा है और डीजीपी महोदय द्वारा इनको पीआरबी अलग से भी पुरस्कृत किया गया है। इसके बाद में आरक्षी महेश कुमार पीआरबी 1345 दोस्तों आपने ये वीडियो देखा किस प्रकार से बिंदु पुष्कर को डीजीपी ने सम्मानित किया, एक पत्र दे। दोस्तों आपने वीडियो देखा कि बिंदु पुष्कर को डीजीपी ने सम्मानित किया, ये उनकी ताकत, ये उनकी शक्ति का परिचय था कि उन्होंने किस प्रकार से एक माँ और बेटे की जान बचाई, बेटा या बेटी जो भी हुआ होगा उसकी जान बचाई। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और देखते रहिए भारत दस्तक।